बड़ा ख़तरनाक था, हमें लग रहा था कि ये सेफ़ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसामा और मैं दोनों गिर गए बीच में। हाय 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 हाय, गरम गरम चिकन बिरयानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक और न्यू व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। और आज सुबह सुबह मुलाकात इसलिए हो गई कि आज सुबह सुबह हमारा एक फैमिली का प्रोग्राम बना है, फिस्टा फैमिली वाटर पार्क का, जो कि कराची का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, आप सबको पता है। तो अभी निकल रहे हैं, बस निकल रहे हैं, एक सुबह हो रहे हैं, सुबह के कोई 8:30 बज रहे हैं गैस। तो गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने सोचा कि जाएँ थोड़ा वाटर पार्क वगैरह जाएँ, थोड़ा इन्जॉय वगैरह करें, इस गर्मी को भगाएँ। तो देखिए अभी हम चलते हैं, निकलते हैं, रास्ते में भी आपसे मिलते हैं। तो नाश्ता वगैरह का भी सीन है, नाश्ता वगैरह करते हुए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी फिर खाना वाना वहाँ पर होगा दोपहर में, वहाँ पर टाइमिंग वगैरह होती है। तो मिलते हैं फिर आपसे। जब भी कहीं सफ़र पर निकलें तो भाई पेट्रोल का ख़ास ख्याल रखें। अभी हम आए इधर पेट्रोल डलवाने, उसके बाद आपको फिर आगे नाश्ते वगैरह का सीन दिखाते हैं। और हम इस गाड़ी में और उसामा उस तरफ, वो भी पेट्रोल डलवा रहा है भाई। सो फाइनली सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ों से मुराद के पेट्रोल डलवा लिया, टायर वगैरह में हवा भी चेक करा लिया। आप लोग भी जब निकले तो लाजमी चीज़ें चेक करवाएं, लंबा सफ़र है, कुछ भरोसा नहीं होता। तो भाई ये सॉन्ग इन्जॉय करें, काला शाह काला। तो अभी ज़रा सीन ये था कि नाश्ते का सीन था अभी, तो ये नाश्ते का भी सीन था और प्लस ये गाना सुन रहा था मैं। तो ये गाने सुनते मुझे वो याद आया, एक शेर याद आया, शेर याद नहीं आया, मैंने एक शेर बनाया, वो ये कि जब मुंह में डाला पहला निवाला तो काला शाह काला कुछ भी। ओहो यार, अभी नाश्ते का सीन था, जैसे मैंने आप लोगों सबको बताया कि अभी नाश्ता वगैरह करते हुए हम जाएंगे। तो भाई सीन ये हुआ कि नाश्ता तो हमने ले लिया है, वही इस वजह से क्योंकि हम उतरे थे नाश्ता करने के लिए, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बैठना मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि गर्मी बहुत थी, गर्मी की वजह से पता है फिर खाना वाना भी अच्छा नहीं लगता। भाई ये हम फिस्टा पहुंच चुके हैं, मेन गेट पर हैं, यहाँ पे कुछ एंट्री वेंट्री के मामला चल रहे हैं। सही चाहती हो की हो यार, बताओ मुझे क्या हिसाब। हिकड़ो 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 ₹250 लूंगा वहाँ पहुँचाने के, यही बोल रहे हो ना, अंदर वो हट तक जाओगे ना। भाई ये इनकी है गाड़ी होती है, तो ये भाई हैं सिंधी हैं, इन्हें उर्दू सही से आती नहीं है, तो बस इससे थोड़ा सा शुगल चल रहा था इनसे। तो ₹250 लेते हैं ये यहाँ से सामान पार्किंग से वहाँ तक पहुँचाने की। भाई साहब गर्मी कैसी है ये तो बता दें, गर्मी कैसी है? गर्मी बहुत कड़ाके की पड़ गई, हम लोग समझ गए तो बादल होगा, बादल तो आए नहीं। हम तो आए इसीलिए थे यार के दो तीन दिन सुना था हमने कि भाई बदली गए हैं, बादल वाले हैं, थोड़ा सा मौसम अच्छा रहेगा और कुछ बारिश के भी आसार थे, लेकिन ऐसा कोई सीन ही नहीं है इधर, बहुत गर्मी है यार। ये सामान हमारे सारे आ रहे हैं, ये यार ये फैमिलीज वगैरह सब इधर हैं और हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। तो मैं और हम जा रहे हैं टिकट लेने, तो अभी देखें टिकट्स वगैरह लेते हैं फिर इधर चलते हैं। भाई ये टिकट्स हमने लिए हैं अभी कोई 1500 रुपये इसकी एंट्री है यहाँ की। और यार बच्चों का पहले सीन ये होता था कि 3 साल तक के बच्चे जो होते थे वो फ्री होते थे, लेकिन अभी ऐसा सीन नहीं है, ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो फ्री वगैरह कोई सीन नहीं। 1 साल का बच्चा जो गोद का बच्चा होता है बस वो फ्री है, इसके अलावा कोई बच्चा फ्री नहीं है। हमारे साथ तो माशाल्लाह से 3-4 साल के इतने बच्चे हैं, हम तो सोच के यही आए थे यार कि फ्री होगा लेके अंदर जाएंगे, लेकिन ऐसा सीन नहीं हुआ, हमारे साथ धोखा हो गया, इधर प्रैंक हो गया समझे एक तरह से। भाई ये है टिकट, ये हम जा रहे हैं अंदर, उसामा भाई आगे। चलो भाई चलो, और ये हम आ गए फाइनली अंदर। हो गया कि हमें वहाँ पे ट्रॉली वाले ने बोला ₹250, आपने भी देखा होगा। अभी वो 250 बोल के जब यहाँ आए तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रॉली के चार्जेस ₹100। फिर हमने उससे बोला कि भाई यहाँ 100 लिखा हुआ है, इसने 250 लिया है, तो ये बंदा मुकर गया, कह रहा नहीं मैंने ₹100 मांगे।
भाई स्कैम है, स्कैम है, स्कैम। उस वक्त यहाँ भी समझ में नहीं आ रही थी और अभी ये उर्दू बोल रहा है। उस वक्त हमारे सामने ही उर्दू समझ नहीं आ रही थी उसको, ये वीडियो में आपने सबने देखा होगा। लेकिन अभी यहाँ पर जब यहाँ पर आकर ही फंसा तो यहाँ पर सही इसकी उर्दू निकल ली है यार। अभी हम चल रहे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है यहाँ का आपको पता है। ये देखें, जो जो आए हुए होंगे उनको तो पता होगा कि जो जो ये जो ये जो सफ़र तय करना होता है हमें अंदर इंटर होने के बाद, ये काफ़ी लंबा है, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के करीब है। तो अभी देखें चल रहे हैं दरख्त के नीचे नीचे साए में ताकि गर्मी ना लगे। और एक और चीज़ ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे झूले भी मौजूद हैं बड़े के, बच्चों के, सर सब के। तो यहाँ पर भी आप जाते हुए टाइम पास कर सकते हैं, 5-10 मिनट ज़्यादा नहीं, क्योंकि असल टाइम तो हमें अंदर गुजारना है। मायरा कहाँ आई हो? पिस्टा फैमिली वाटर पार्क। क्या करने है? पूल में नहाने। अच्छा, भाई मोबाइल टॉवर, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सारी चीज़ें शेयर करने के लिए जाहिर है वो ज़रूरी है मोबाइल टॉवर, क्योंकि ट्यूब वगैरह आप घर से लेकर आएँ अपने बच्चों वगैरह के लिए, तो यहाँ पर आप ट्यूब वगैरह फुलाएँ फिर फुला के लेके जाएँ। और अगर आपको इनसे ट्यूब्स लेने तो वो सारी चीज़ें भी मिलती हैं, ये उनके रेट्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। बेबी जैकेट हैं, गॉगल्स हैं और डक है, बेबी टब है, सारी चीज़ें हैं जिसमें पैसे मेंशन है। तो यहाँ से लेना चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, और अगर अपने लेकर आना चाहें तो अपने आप खुला सकते हैं। ये दोनों भाई लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। चलो भाई, चलो 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 अबे बहन देख रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। बोल भाई माहौल बन चुका है इधर, क्या हुआ, क्या गिरा रहे हो? चौबर गिर गया है इस तरह। देखिए भाई सबके हाथ में ट्यूब लोड है, मेरे पास दो हैं, मैंने दो ही लिए, और इन लोगों के पास काफ़ी सारे हैं, इनके पास 3-4 है, इनके पास ऐसे ही है, तीन चार हैं, और मेरे पास जो है वो सिर्फ दो है। तो अभी हम जा रहे हैं, ट्यूब वगैरह हमने बुला ली, सारी चीज़ें कर ली है, अब हम जाते हैं कोई जगह वगैरह ढूंढते हैं, फिर वहाँ बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पर को तेरी वार बना दूं से कहूं बादशाह मैं। हाँ यार, जगह हमें मिल चुकी है फाइनली। ये है देखें यार, ये नहीं, ये यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, ये हमारा सारा सामान, सारी चीज़ें, ये मेरा बिलूशा। यार गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, और इसी गर्मी को तोड़ने के लिए हम यहाँ पर आए यार। तो हमने ये आपको ऐसे मैंने बताया था नाश्ते का, तो भाई ये नाश्ता हमने पिज़्ज़ा बनवाया था, इसको हम पिज़्ज़ा कहते हैं, जैसे कि ये पराठे में अंडा ऊपर लगा के पूरा इसको पूरा फिर इसे फ्राई वगैरह करते हैं, तो ये नाश्ता ले लिया था, और इसके साथ जूसेस वगैरह हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। सामा भाई खा रहे हैं, आप कैसा लग रहा है? ये बहुत मज़े का है भाई। चल झूठा, लॉकर मैंने ले लिया है। कहाँ है लॉकर? अच्छा ये है, उसकी चाबी है। अच्छा, 200 रुपए लॉकर चार्जेस है, 300 रुपए डिपॉजिट है, टोटल 500 हमने लिए हैं, जब हम इसको ये वापस करेंगे तो 300 रुपए दे देंगे। सही, ताकि आप आगे शॉर्ट देख रहे हैं, शॉर्ट्स वगैरह भी मिलते हैं इधर, शॉर्ट्स हैं, टी शर्ट, सारी चीज़ें जो आप यहाँ से लेना चाहें रेंट पे परचेज नहीं करना, बाय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से चीज़ें बाय भी कर सकते हैं। ओहो भाई, तो चेंज वगैरह सारी चीज़ें कर ली, सब कुछ हो गया यार, सन ब्लॉक वगैरह भी लगा रहे, धूप बहुत तेज़ है, सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी था, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एंड में जब होगा तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी होगी उस वक्त तक, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और पानी में नहाना तो है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जो है ना, ये बड़ी अजीब चीज़ है, बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है, बहुत। इसमें जो सुकून है ना, ये अब ओहो सारा सुकून ही इसमें यार। हाँ उसामा भाई, यहाँ बारिश में नहाते हुए मज़े आ रहे हैं भाई, अभी तो मज़े स्टार्ट हुए हैं भाई, अभी तो मज़े स्टार्ट हुए हैं। ओहो, शावर के नीचे तो खड़े हुए, ये उसामा भाई अंदर भाई, नहीं रुकना भाई, अब नहीं रुकना, बहुत मजा आ रहा भाई, दिल गार्डन गार्डन, अरे ये क्या, अरे ये क्या, अरे खजाना निकला यार, हम इधर खड़े हुए हैं उसामा भाई, ये रे इसका वेट करते हुए, इसका बहुत शिद्दत से वेट करते हुए उसामा भाई, आ गया भाई छा गया भाई, अब ये इसका मैं इंतजार करते हुए, और ये
यार अब हम जा रहे हैं रेनबो स्लाइड लेने, वहाँ से जो होकर आ गए दोबारा जाएंगे एक एक बार सारी स्लाइड ले लें ताकि पैसे वसूल हो जाए। स्लाइड देने का मतलब ये पैसे वसूल कर ले। पहुँच चुके हम रेनबो में भाई, और ये सामान आगे चलते हुए जेल में कैद किया हुआ हमें, ये हम जेल में कैद है ऐसा भाई। ये हम रेनबो पर मौजूद हम तीनों, चले चलो चलो बस। स्लाइड के अलावा जो मज़े हैं ना इधर वो इन चीज़ों पर, स्लाइड के अलावा ये इन चीज़ों के जो मज़े हैं, ओह हो 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 यार। अभी हमने रेमो वाली स्लाइड की वो दिखाया आप लोगों को, और इसके बाद फिर बनाया तो हम दोबारा भी आए पेंडुलम स्लाइड पर, जो पेंडुलम होता है ना यूँ यूँ आता है उस पर है, अभी जा रहे हैं तो ये भी आपसे शेयर करते हैं एक्सपीरियंस। ये देखें ये वाला, ये समझ गए अब समझोगे आप लोग। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, ये उसामा बैठ चुका है इसमें और ये मैं बैठता हूँ। पोजीशन बना लो पहले भाई, पोजीशन बनाओ भाई, पोजीशन बनाओ है ना कमा। ओके की रिपोर्टर, ओके की रिपोर्टर, चलो भाई चलो 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 हमने भाई यार ये जो एक्सपीरियंस हुआ है ना अभी पेंडोलम का, ओ हो हो एंड 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 बेहतरीन बेहतरीन वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, मज़ा आ गया यार भाई। अब हम इस पे जा रहे हैं साइक्लोन पे, हाँ तो देखें बाहर से जितना ख़तरनाक अंदर से उतना ही अच्छा उतना ही मज़ेदार। भैया दो साइक्लोन है, एक ये साइक्लोन है ये ट्यूब वाला है और एक ये है ये बगैर ट्यूब का है, ये थोड़ा डेंजर है। क्या कह रहे हो? मैं हम कह रहे हैं इसमें तो हम नहीं जाएंगे, जो खूब वाला है ये बहुत डेंजर है भाई, एक बार पहले गए थे तो गिरे थे इसमें बहुत चोट लगी थी तो इसमें इसको जा रहे हैं। चल बैठा हम इस पर जा रहे हैं भाई। सर और भी स्लाइड हैं मतलब कि इसी बिल्डिंग में, लेकिन हमें जो स्लाइड करनी होती है वो सबसे टॉप पर होता है, ये भंड समझ नहीं आ रहा यार। ये देखो बिल्कुल टॉप पर है हम, और हमारी स्लाइड जो हमें करनी है साइकिल वो इधर ही है। ये खतरनाक है या सही? अच्छा है मज़ेदार है, है? अच्छा ये जो हमारी स्पीड तेज है उसमें वजन ज़्यादा है इसलिए, हमारा टॉप पे जा रहे हैं हम, हम टॉप पे जा रहे हैं। अभी एक बार फिर टॉप पे जाते हैं, चलो भाई रेडी एक और। हाँ भाई क्या देख रहा है, हैं? यार ये बड़ा ख़तरनाक था भाई साइक्लोन, बड़ा ख़तरनाक था, हमें लग रहा था कि ये सेफ़ है लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उसामा और मैं दोनों गिर गए बीच में। वीडियो में आपने देखा ये देखें चोट भी देखें, ये देखें देख रहे हैं ये मुझे लगी है सामा तुम्हें हड्डी में चोट आई है यार, तो ये देखो यार और मेरे भी हाथ में लगी है, मेरे भी हाथ में लगी है, ये ख़तरनाक है थोड़ा तो इससे अवॉइड करेगा इससे आप लोग भी। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो मेरा मशवरा है कि ना करें, वैसे कर लें तो थोड़ा एहतियात से, क्योंकि हम तो आपको पहले हमने बताया कि हम रॉकेट की तरह जा रहे हैं तो वो रॉकेट के चक्कर से रॉकेट ने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया और हम जो है ना बस गिर गए, लेकिन अब अभी भी हम कंटिन्यू रखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, कंटिन्यू रखेंगे फ्लैट पे जाएंगे। इसको इसको नज़र में रखें, इस पर नहीं बैठना आप लोगों ने यार, जैसा आपको बताया उसामा गिर गया उधर, मैं भी गिर चुका हूँ, अभी लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, इसकी हर जगह लगी है सही से चोटें हैं। क्या क्या फील कर रहा है भाई? फीलिंग गुड, नॉट बैड, आए हैं तो चोट तो लगेगी, आए हैं तो चोट तो लगेगी, इसी को कहते हैं बाजीगर, बाजीगर मैं बाजीगर। तो अभी लंच ब्रेक पर आए, अभी खाना वाना देखें, खाना खाने का मूड तो नहीं हो रहा क्योंकि अभी नाश्ता किया हमने, तो इतनी भूख कोई लग नहीं रही किसी को, फिलहाल मुझे तो नहीं लग रही। तो अभी वैसे वैसे एक घंटे का ब्रेक है, डेढ़ से ढाई बजे तक एक घंटे का भी ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। हाय 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 गरम गरम चिकन बिरयानी
यार बिरयानी खाने का मेरा मूड तो नहीं था जैसे मैंने बताया, लेकिन इसकी जो खुशबू आ रही है ना मुझे, ओ हो 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 हो, बेहतरीन खुशबू आ रही है इसकी। बेहतरीन बिरयानी बनी हुई है यार, घर की है लेकिन देखी टाइप की, जैसे देखी बिरयानी होती है ना बाहर की, उस टाइप की बिरयानी है। मैंने बताया कि बिरयानी खाने का बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि भूख नहीं लगी थी, लेकिन जब बिरयानी ढक्कन खुला ना तो ये खुशबू आई, उससे थोड़ा सा मूड बन गया तो मैं खा रहा हूँ बस। अब जिसका था हमें इंतज़ार खाना खाने के बाद, वेव पूल हमारा ऑन हो चुका है और हम वेव पूल पे ही जा रहे हैं। यार ये अजियत हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल इस अजियत से बचना भाई, आप सब बहुत अजियत है ये। हो सुकून, ये भाई वेव पूल के नज़ारे, ये पूल एंजॉय करते हुए वेव में, फुल एंजॉय करते हुए ये अमाज भी और ये उसामा भी, और सब है मेरे भाई सब है। अभी वेव ज़्यादा है, कभी वेव कम है, यही सीन चल रहे हैं इधर। आगे मैं जा नहीं सकता, आगे जाऊँगा तो मुझसे मोबाइल चला जाएगा भाई, आगे जाऊँगा तो मोबाइल चला जाएगा, पीछे से वीडियो बना रहा हूँ। भाइयों दादा के एक और ग्रुप मेंबर ने हमें ज्वाइन किया है इधर बाद में, पहले नहीं था ये इसका थोड़ा ऑफिस का इशू चल रहा था, दानियल का भी ऑफिस का इशू है, बिल्कुल यार छुट्टियाँ नहीं मिल रही बिल्कुल, तो ये इसने फिर भी कुर्बानी देकर हाफ डे लेकर ही आया इधर, और इसने फिर हमें ज्वाइन किया। दादा इसको ज्वाइन करना था ना, बिल्कुल ज्वाइन। हाँ यार वेव के सीन तो हो गया, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा किया वेव में। तो अभी जो है वो लेजी रिवर की बारी है, अब जो लेजी रिवर है इधर, अब हम यहाँ चलते हैं, ये देखेंगे ये अब हमारी यहाँ एंट्री है लेजी रिवर। ये इसलिए ये जो देख रहे हैं ये जो है ये इसकी वजह से ये इसका नाम है लेजी रिवर, क्योंकि ये बहुत लंबा है, पूरा राउंड घूम रहा है ये, इस वजह से। और ये देख रहे हैं ये बारिशें जो हो रही हैं, ये इसके मज़े, इसके छचके यहाँ पे अलग है मेरे भाई, इसका मज़ा है, असल मज़ा इसी का है। और मैं तो इधर थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन यहाँ पर ये लोग बारिश की मज़े लेना शुरू हो चुके हैं भाई। ये देखें, ये उसामा, ये अली, ये मेरा यार, ये सीन से भाई आगे, ये जो है ना ये ठंडा यार, ओ हो ठंडा ठंडा पानी मेरे भाई, ओ क्या कहने भाई, क्या कहने हैं। ये देखें भाई, ये बिग बॉस के जैसे खड़े होने का स्टाइल है, ये यही सीन है भाई, यही मजे इधर के। देखो भाई यहाँ पे पानी में बैठ के चील उड़ी कौवा उड़ा हो रहा है, दौड़ गया दौड़ गया दौड़ गया, यहाँ पर देख रहे हैं जो गिर रहा है, ये गिर रहा है, अभी ये किसकी बारी है, तो मैं भी इधर इसी इंतजार में हूँ, ये गिरे और ये मुझे पानी से पानी पानी कर दे, ये इसे मैं वेट कर रहा हूँ कब गिरेगा यार, आजा यार कब आएगा। One eternity later, जल्दी आजा। और ये आया 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 आया, ओह यार अभी लेजी रिवर जो बताया था वहाँ से वापसी हो रही है हमारी, वहीं पर हमने सारा टाइम स्पेंड किया, हम जा रहे थे मजीद स्लाइड देने, लेकिन वो जो हमारे साथ एक हादसा हुआ छोटा सा, वो अम्मी को पता चल गई बात, वो ऐसे पता चली कि जब स्लाइड में साइक्लोन में मेरी सिस्टर हमारे साथ थी, तो जाहिर है उसने देखा, उसने आगे अम्मी को बता दिया, फिर वो अम्मी ने बोला नहीं स्लाइड नहीं करोगे फ्रांड हमका ना यहीं पर रहो, तो इस वजह से हमने मजीद स्लाइड नहीं की, और हम इसीलिए हमें सारा टाइम स्पेंड किया इधर ही अपना लेजी रिवर में, और अभी सारे टाइम स्पेंड करने के बाद अब हमारी हो रही है वापसी, चेंज करने जा रहे हैं दोबारा एक बार फिर से, तो चेंज करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं सही से दोबारा प्रॉपर। अरे स्किन कलर की भी वॉट लगी है, ठीक ठाक लगी है, क्योंकि गर्मी बहुत थी, सन ब्लॉक लगाया, प्रोटेक्ट किया था, लेकिन
नहीं होता वो पाता यार, उस तरह से नहीं हो पाता, फिर भी वॉट तो लगती है क्योंकि अभी लग गई है। अभी प्रॉपर आपको फिर अभी जाता हूँ, देखता हूँ अपने आप को भी शीशे में कि मैं खुद को कैसा लग रहा हूँ यार। तो भैया हम चेंज वगैरह करके यहाँ से निकल चुके हैं, चेंज वगैरह करिए, सारी चीज़ें फ्रेश वगैरह होगा सही से। लेकिन एक और चीज़ यार कि जब मैं चेंज कर रहा था तो वो जब जो मुझे जब मैं गिरा था वहाँ पर स्लाइड में तो मुझे चोट लगी थी, जो मैंने आप लोगों को दिखाया वहाँ पर मुझे काफ़ी जलन हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार यहाँ पर इनका वो है फर्स्ट एड बॉक्स का पूरा एक फर्स्ट एड रूम है, तो मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी, जो ये देखें मेरी ट्रीटमेंट जो मुझे चोट लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैंने वहाँ पर जाके सारी चीज़ें करवाई। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर कि अगर आपको कुछ भी खुदा ना खासा कुछ भी चोट वगैरह लगती है तो यहाँ पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फौरी मौजूद है, और कुछ भी हो आपको एक्सरसाइज है। लेकिन और दूसरी बात के फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। इधर ये देखें, ये रहा फर्स्ट एड रूम, जब इंटर होते हैं तो उसके साथ ही है यहीं पर। ये सारी चीज़ें पैक चेक कर ली, सब कुछ हो गया, बस निकल रहे हैं वापस। तो ये उसी ट्रैक पर है हम जहाँ पर जाते हुए जो काफ़ी जो एक लंबा ट्रैक है यहाँ पर, ये देखें ये वाला। मैं ज़रा फर्स्ट एड वहाँ पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेने गया था तो मैं थोड़ा लेट हो गया, तो इस वजह से मैं अकेले झूलूँ। उसामा वगैरह सब जो हैं वो जा चुके हैं, ये मेरे घर के बच्चे झूले झूल रहे हैं इधर, और ये उसामा और अली वेट कर रहे हैं मेरा क्योंकि ज़ाहिर है मैं लेट हो गया जैसे मैंने बताया। क्या हो भाई, किसका वेट कर रहे हो इधर? ट्रिप पे भाई मेरी यादें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बागों की यादें हैं। चलो बेटा चलिए, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए, फौरन चाहिए, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हर तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।